अब आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कुछ हमारे पास फैक्टर्स को, यानी कुछ रिएजेंट्स को, कुछ एजेंट्स को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली हीट कोई भी किसी भी प्रोटीन को क्यों और किस तरह से लीनेजर करता है, आपको पता है कि जो हीट है, जब आप उसको हीट देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। एंड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो आपके पास टेम्परेचर है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी। यानी जब आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बाय गिविंग इट हीट, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर हम लोग यहाँ पर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी लें, बिकॉज हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, सो मॉलिक्यूल्स की आपके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब आपके पास काइनेटिक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो आपको पता है कि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो भी आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे। और जब वाइब्रेशन इंक्रीज होंगी, उससे क्या होगा एग्जैक्टली, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनका जो मॉलिक्यूलर मोशन है, मॉलिक्यूलर मोशन वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर मोशन के इंक्रीज होने की वजह से जितनी भी जो आपके पास वीक नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस हैं, वीक नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस वो जो हैं वो आपके पास ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग एंड एज वी नो के जब वो ब्रेक होंगी तो आपके पास प्रोटीन की जो नेटिव कन्फर्मेशन है वो मेंटेन नहीं रहेगी। आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड वन ऑफ द नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन, वो अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली राइट वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को ऑन द कर्व, यानी ऑन द ग्राफ हम लोग डिस्कस करें, तो इसके जो डीनेचुरेशन कर्व होती है किसी भी प्रोटीन की, डीनेचुरेशन कर्व कहें तो बेहतर है, कर्व यानी शोर जो ग्राफ होता है वो सिग्मॉइडल होता है, सिग्मॉइडल। अगर हम लोग उसको कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल सा ड्रॉ करेंगे, यहाँ आपके पास परसेंटेज ऑफ डीनेचुरेशन, परसेंटेज ऑफ डीनेचर लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस में टेम्परेचर रख देते हैं, टेम्परेचर। सो जब आप इस ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा कि इनिशियली जो है वो डीनेचुरेशन हल्की सी परसिस्ट होगी, ठीक है, तो उसके बाद ये बिल्कुल लीनियर हो जाएगी और एक खास पॉइंट पे आके ये रुक जाएगी, बिकॉज एक प्रोटीन एक हद तक डीनेचर हो सकता है, दिस इज द 100% पॉइंट, मतलब कि यहाँ पर प्रोटीन 100% डीनेचर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें इसको गौर से तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से है, मतलब कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, मतलब कि इनिशियली जो डीनेचुरेशन है वो प्रेजेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास 0 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास 100 डिग्री है, मतलब कि 100 डिग्री के ऊपर ये प्रोटीन कम्प्लीटली डीनेचर हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो इनिशियली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जब वो रेजिस्टेंस खत्म होती है तो उसके बाद जो डीनेचुरेशन है वो बिल्कुल लीनियरली, ऑलमोस्ट, इतनी लीनियर नहीं होती, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से बिल्कुल लीनियरली जो है वो प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाता है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी आपके पास पहली आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड या कोई भी नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन टूटता है, फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, तो वो एक चेन शुरू कर देता है, चेन स्टार्ट, मतलब वो एक चेन रिएक्शन आप कह लें, एक चेन प्रोसेस शुरू कर देता है जो कि उस पूरे प्रोटीन को विद इन मिली सेकेंड्स डीनेचर कर देता है। व्हाट इट से, इट से दैट के डीनेचुरेशन इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस। आप लोगों ने अक्सर वो डोमिनो देखे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक गिराते हैं तो एकदम से गिर जाते हैं ना, तो इट्स समथिंग लाइक दैट, मतलब कि एक जिस तरह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगी बाकी जितने भी होंगी वो टूटती चली जाएंगी जब तक एक पूरा प्रोटीन डीनेचर नहीं हो जाता। इसके अलावा आपने कुछ खास किस्म के ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा, लेट मी रब इट अगेन, क्योंकि उनको डिस्कस करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास थर्मोफाइलस बैक्टीरिया होते हैं, कौन से, आपके पास जो थर्मोफाइलस बैक्टीरिया, थर्म मीन्स टेम्परेचर, फाइलस मीन्स लविंग, मतलब कैसे बैक्टीरिया जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने थर्मस एक्वाटिकस का नाम सुना होगा, अगर आपकी जीके अच्छी है, थर्मस एक्वाटिकस, अगर ये नहीं तो आपने टैग पॉलीमरेज, जो लोग पीसीआर में यूज करते हैं, अगर आप थोड़ी सी एडवांस बायोकेमिस्ट्री को जानते हैं तो हम लोग टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसको हम लोग पीसीआर में यूज करते हैं, वो एंजाइम अप्रॉक्सीमेटली 95 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज के ऊपर, मतलब कि एवरेज 95 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ऑप्टिमली काम करता है। हमारे एंजाइम्स 37 पे काम करते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, और ये वाला
95 पे जा रहा है, तो मतलब इसका जो एवरेज सर्वाइविंग टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा है। अच्छा, जब रिसर्च की गई कि उसके प्रोटीन में ऐसी कौन सी खास बातें जो कि उनको इतनी हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करने को दे रही हैं, तो ऐसा कुछ खास उनमें नहीं मिला। सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सिमिलर थे कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको वजह नहीं पता लगी आज तक कि इन प्रोटीन्स की स्टेबिलिटी कितनी, वजह क्या है कि ये इतनी हाई टेम्परेचर के ऊपर बाय हैविंग द सेम स्ट्रक्चर वो सर्वाइव कर रहे हैं। हीट से कुछ इस तरह से आपके पास डीनेचुरेशन होती है।